प्रेग्नेंट होने के लिए आपके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो आपकी किडनीज की कैप है, एड्रीनल्स है, ये नरिश होनी चाहिए। लेकिन इनको नरिश करने का तरीका क्या है? डाइट एंड न्यूट्रिशन से आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेकिन वो तरीका क्या है? लेकिन हेल्दी चीजें होती क्या है जिसको कि हम खाएं, जिसको कि हम अपने रूटीन में रखें, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी जल्दी हो सके। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ अमेजिंग आइडियाज शेयर करेंगे आपसे, जिससे कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं तो उसमें आपको सही दिशा मिलेगी, आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, आप हेल्दी होंगी एंड आपके सारे हार्मोनल इश्यूज खत्म होंगे। फ्रेंड्स, हार्मोन्स का संबंध हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है एंड उन सबको कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में बैठा हुआ मास्टर ग्लैंड। तो किस तरीके से अपने हार्मोन प्रोडक्शन को हम बेटर करें जिससे कि प्रेगनेंसी जल्दी हो, इक्वालिटी अच्छी हो, पीरियड्स रेगुलर हो सके आपके एंड हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो प्रेगनेंसी सक्सेस होगी, आपको बिल्कुल हार्डशिप नहीं लगेगी, बिल्कुल नेचुरल लाइफस्टाइल में लाइफ को एंजॉय करते हुए आप कंसीव कर लेंगे कम समय में। तो टिप नंबर वन, आपने कई जगह कई वीडियोस में देखा होगा, कई जगह पढ़ा हो सकता है, हो सकता है कई जगह से सुना हो कि कार्ब्स कम करो, प्रोटीन खाओ, ऐसा हो सकता है आपने सुना है। लेकिन अगर आप कार्ब्स कम खाते हो तो क्या होता है, आपका जो हाइपोथैलेमस है, आपकी जो पिट्यूटरी और एड्रिनल्स है, उन पे प्रेशर पड़ता है, आपको क्रेविंग्स बढ़ती हैं। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेन फूड कहा गया है, ब्रेन फंक्शनिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी सबसे बचने के लिए, ब्रेन को काम रखने के लिए, ब्रेन को एनर्जी देने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये नहीं है कि हर कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया। जो मोटे अनाज है जैसे कि मिलेट्स, होल ग्रेन्स आपको खाने चाहिए, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो आपके शुगर लेवल को बिगाड़ेगा और हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा। तो अगर आप 2000 किलो कैलोरी की डाइट ले रहे हो तो 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन एवरीडे आपको खाना चाहिए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट में मिलाकर। बहुत जगह आपने ये भी सुना हो सकता है कि फाइबर खाओ, फाइबर ज्यादा खाओ, लेकिन फाइबर ज्यादा जो होता है आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH इन सब का लेवल कम कर देता है, इनका प्रोडक्शन लो कर देता है, ऐसा स्टडीज कहते हैं, ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है। और अगर आप लो फाइबर लेते हो तो बॉडी से टॉक्सिन्स भी नहीं निकल पाते, तो बेबी प्लानिंग में फाइबर कितना खाऊं, ये आपका सवाल हो सकता है। तो आपको कम से कम 30 ग्राम के आसपास, 25-30 ग्राम फाइबर आपको लेना है। ये नहीं है कि आपको हाई फाइबर हर टाइम आप हाई फाइबर ये चीजें खा रहे हो, ये आपके हार्मोन प्रोडक्शन को बिगाड़ सकता है। गुड फैट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग की क्वालिटी को बनाता है और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए फैट जरूरी है। फैट तो रोज यूज करते हैं खाना बनाने में, तो हम कुछ ना कुछ ऑयल वगैरह यूज करते ही है, लेकिन इंश्योर करें कि वो प्योर हो, शुद्ध हो। पाम ऑयल से आपको बचना है, आपको कच्चे खाने तिल का तेल, सरसों का तेल, सनफ्लावर का ऑयल और सबसे बेस्ट है ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इनको यूज करना चाहिए। आपकी जितनी भी एनर्जी आप लेते हो उसका 20-30% आपको फैट से लेना है। तो गुड क्वालिटी ऑयल यूज करें कुकिंग में एंड दूसरा फ्लैक्स सीड है, वॉलनट्स है, चिया सीड्स हैं, इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि अच्छे फैट से आपके अच्छी क्वालिटी के एग बन सकते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी डाइट में इनका स्पेशल स्पेस होना जरूरी है। इम्प्लांटेशन फेल ना हो, अंडों की क्वालिटी अच्छी हो जिससे कि मिसकैरेज का रिस्क खत्म हो जाए, सक्सेसफुल इम्प्लांट हो, प्रोजेस्टेरोन बढ़ सके, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़े इम्प्लांटेशन डेज में, इसके लिए फोलेट खाना बहुत जरूरी है, जिसको कि मेडिसिन में अगर आप लेते हैं तो 400 से 500 MCG की डोजेस आपको डॉक्टर देते हैं। तो अपने खाने में हरी हरी जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, फल अगर शामिल करते हैं तो उसमें फोलेट आपको डाइट से भी प्रचुर मिलेगा। तो फोलेट बहुत बहुत जरूरी है, इससे आपकी प्रेगनेंसी सक्सेस बढ़ जाती है। पीरियड से हफ्ते 10 दिन पहले अगर आपको PMS के सिम्टम्स आते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आता है, तो ये गड़बड़ है, ये आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी को बता रहा है और ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या खाना है, पपीता 7-10 दिन पहले से खाने हैं, उसमें जो कैरोटीन है वो एस्ट्रोजन को बूस्ट करेगा, हार्मोन प्रोडक्शन को ठीक करेगा एंड पाइनएप्पल के कोर में होता है ब्रोमेलिन, जो यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो इंप्रूव करेगा। तो इस तरीके से आपके हार्मोन बैलेंस होंगे। तो पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आप इन दो चीजों को खा सकते हैं, और अगर पीरियड्स रेगुलर है, आपको कोई परेशानी नहीं है, स्टिमुलेशन की आवश्यकता नहीं है, तो आप इन दिनों पाइनएप्पल पपाया अवॉइड करें, जो इम्प्लांटेशन डेज होते हैं उसमें अवॉइड करें, ओवुलेशन तक आप खा सकते हैं।
तो ये कुछ आइडियाज थे, आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। ऐसे कुछ और आइडियाज जानना है तो वो भी कमेंट में आप हमें लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। डेली अपडेट्स लाती हूँ आप लोगों के लिए जो कि आपकी बेबी प्लानिंग में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।